हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ये जो बोटस्टोन 1200 इसको लेकर। ये जो स्पीकर है बहुत ही अच्छा स्पीकर है, इसका आज रिव्यू करेंगे। फुल रिव्यू मतलब इसका अच्छा या बुरा या उसको लेके बात करेंगे। पहले ये जो स्पीकर है, स्पीकर का स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। स्पीकर IPX7 रेटिंग के साथ आता है और इसका जो आउटपुट है ये 14 वाट है। बट इसका जो आउटपुट है इससे भी ज़्यादा है मेरे को लगता है, मतलब इसका जो साउंड है 14 वाट से ज़्यादा है, तो उसको बाद में बात करेंगे। यहाँ पर ये जो स्पीकर है, स्पीकर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो कनेक्टिविटी मिलता है यहाँ पर देख सकते हो। ऑक्स दिया गया है गाना प्ले करने के लिए, और USB है और ब्लूटूथ है 5.0, और इसके अंदर टाइप सी दिया गया है यहाँ पर चार्जिंग के लिए। बट ये जो स्पीकर है, स्पीकर आप फास्ट चार्ज नहीं कर सकते हो। इसको आप 5 वोल्ट 1 एम्पियर या 2 एम्पियर चार्जर के साथ चार्ज कर सकते हो, ये फास्ट चार्ज नहीं होगा। और यहाँ साइड पर एक होल है, इसको प्रेस करके आप ये जो स्पीकर है रिसेट कर सकते हो। स्पीकर का जो बहुत ही अच्छी बात मेरे को लगा, इसका साउंड, इसका जो बेस रेडिएटर है, ये इसका जो नॉर्मल साउंड है या हाइस्ट साउंड है, तो उससे इसका जो साउंड डिस्टोर्शन नहीं होता है, और इसका जो साउंड है क्लियर क्रिस्टल आता है। इसका बेस भी बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। इसको आप ये जो बटन है ऊपर, इसको प्रेस करके अब स्पीकर को ऑन कर सकते हो। देख सकते हो ये ऑन हो गया। Bluetooth यहाँ पर ये जो बटन देख रहे हो, इस बटन को प्रेस करके आप ऐसी दो स्पीकर एक साथ कनेक्ट करके प्ले कर सकते हो। यहाँ पर दिखा देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर लाइट ब्लिंक करने लगा है, और ऐसी दो स्पीकर कनेक्ट करके प्ले कर सकते हो। और ये जो पावर बटन है, इसको एक बार प्रेस करोगे तो आपका जो मोबाइल कनेक्ट रहेगा, इसको वॉइस असिस्टेंट दे के, कोई भी कमांड दे के आप यूट्यूब से गाना प्ले कर सकते हो या बहुत कुछ काम कर सकते हो। यहाँ पर ये जो बटन है, यहाँ पर देख सकते हो, इसके थ्रू आप कॉल रिसीव कर सकते हो और इसको माइक की तरह यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर प्ले पॉज करने के लिए यहाँ पर एक बटन दिया गया है, देख सकते हो। और यहाँ पर वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए बटन दिया गया है, और यहाँ पर आपको बैटरी इंडिकेटर दिया गया है, और ये एक बटन है, इसको प्रेस करके आप FM चला सकते हो, और इसको 2 सेकंड तक प्रेस करके रखोगे तो इसका जो RGB लाइट है वो ऑफ कर सकते हो। अब देख सकते हो इसका लाइट ऑफ हो गया। इसको फिर से प्रेस करके रखोगे तो ये लाइट ऑन हो जाता है। स्पीकर की जो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को इसका साउंड। और ये जो स्पीकर है, स्पीकर की सबसे जो बुरी बात है वो भी है इसका बैटरी। आपको बताऊंगी और आपको दिखाऊंगी ये इसका जो बैटरी है कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपको आप पहले इसका साउंड सुन लो, इंडोर और आउटडोर, और उसके बाद आपको दिखाऊंगी। Oh!
देख सकते हो स्पीकर भड़बड़ करने लगा है, बहुत ज़्यादा बेस बूस्टेड होगा तो ये भड़बड़ करने लगेगा। यही स्पीकर का प्रॉब्लम है, इसका बैटरी लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा बेस बूस्टेड गाना प्ले करते होते हैं और उसके बाद ये ऑफ हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हो 10% बैटरी है, मैंने ऑफ कर दिया, मैंने पॉज कर दिया, तो यहाँ पर देख सकते हो बैटरी कैसे इंक्रीज़ होगा, धीरे धीरे आपका 90 से 80% तक चला जाएगा। अब देख लो पहले, सिक्सटी परसेंट पे आ गया, 70% भी हो गया यहाँ पर, अब देख सकते हो। एट्टी परसेंट आके रुक गया, उसके बाद ये जो स्पीकर है, इस स्पीकर को प्ले करोगे तो फिर से इसका बैटरी डाउन हो जाएगा। अब देख लो इसका जो बैटरी है कैसे धीरे धीरे डाउन होगा। ये ओनली जो बेस बूस्टेड गाना है, बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम पर है, उसी गाने पर होता है, तो ये वो बैटरी डाउन होने के बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है और उसके बाद इसका जो बैटरी इंडिकेटर है, मतलब 10% आ जाने के बाद बार बार जो बीप होता है वो आवाज़ बजने लगता है और आपका जो गाना प्ले होता है उसके अंदर डिस्टर्ब प्ले आता है, तो यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये जो स्पीकर है, स्पीकर 14 वाट आउटपुट के साथ आता है, बट इसका जो बैटरी बैकअप है वो कंपनी क्लेम करता है। ये जो 8 GB लाइट है, 8 GB लाइट के साथ आप 7 आवर तक प्लेबैक कर सकते हो और 8 GB लाइट ऑफ करके आप 8 आवर तक प्ले कर सकते हो, बट इसका जो वॉल्यूम है वो वहाँ पर मेंशन नहीं है। बट ये जो स्पीकर है 50% वॉल्यूम पर वो जो 8 GB लाइट ऑफ करके 8 आवर तक प्लेबैक मिल जाएगा, बट लाइट ऑफ करने के बाद भी ये आप 100% वॉल्यूम पर 4 से 4.5 घंटे तक नॉर्मल गाना प्ले करोगे तो आपको मिल जाएगा इजीली, और डीजे गाना प्ले करोगे तो ये आपको 2 से 3 आवर तक प्लेबैक देगा, और इसका जो प्राइस है वो भी 4,000 रुपीज़ है। स्पीकर के साथ आप USB कनेक्ट करके आपका फ़ोन या कोई भी हेडफोन आप चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो फ़ोन है वो चार्ज हो रहा है, यहाँ पर देख लो फ़ोन चार्ज हो रहा है, उसको आप पावर बैंक की तरह यूज़ कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल को भी ऑन कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पर।